हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्जाम रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस है। यहाँ पे दोस्तों, आप सबको पता होगा कल के डेट में यहाँ पे जो रेलवे के तरफ से दो नोटिस जारी किया है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग सेकेंड स्टेज सीबीटी और रिजल्ट को लेके, और दोस्तों यहाँ पे ट्रेड वाइज आपको सिलाबस भी दे दिया गया है। आप लोग को पता होगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन कमेंट कर रहे हैं कि बहुत सारा बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ये बेस्ट जो ये जो रिजल्ट निकलेगा, क्या आपकी जो मेरिट लिस्ट लिखा गया था 30%, 40%, 50% या 30% 40% में ले लिया जाएगा, या आपकी बेस ऑन मेरिट, यहाँ पे ऑफिशियली दोस्तों लिखा गया है कुछ अपडेट न्यूज जो आपका अगर 30% रख रहे हो तो भी नहीं होगा। यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है दोस्तों मेरिट बेस में, और नॉर्मलाइजेशन होगा, और दोस्तों यहाँ पे ट्रेड वाइज जो पोस्ट प्रिफरेंस मांगा था उसी वाइज शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, पूरा जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्लीज एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। उसके साथ दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, उधर से फॉलो करके मेरे को मेरा कई सारा वीडियोज मैंने डाल के रखा हूँ। दोस्तों वीडियो देख के घर बैठ के तैयारी भी कर सकते हो, कोई भी इशू हो रहा है डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे CV22 के लिए दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल का वीडियो बहुत सारा मैंने डाल के रखा हूँ, आप जाके वीडियो देख के तैयारी कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो पहले सवाल आ रहा है कि ये जो रिजल्ट निकलेगा, क्या हम अगर 40% रख रहे हैं तो 30% रख रहे हो तो हमारे क्या क्वालिफाई हो जाएगा, जो पहले से लिखा गया था ऐसे 30% वालों को ले लिया जाएगा, 40% वालों को ले लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो रिजल्ट प्रोसेसिंग फॉर द फर्स्ट स्टेज सीबीटीज फाइनल स्टेज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज स्टेज सीबीटी फॉर ईच आरआरबी। दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर आरआरबी जोन वाइज यहाँ पे सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट जाएगा जोन वाइज, जोन वाइज आपको जाएगा। दोस्तों यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है आरआरबी वाइज, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज, और यहाँ पे कॉमा दिया गया है, उसके बाद लिखा गया है बेस्ड ऑन मेरिट ही। बेस्ड ऑन मेरिट मतलब आपकी अगर सपोज 9 लाख कैंडिडेट ऊपर जाने वाले हैं तो आपकी ऊपर से टॉप साइड से 9 लाख कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप 30% रख रहे हो तो भी जाओगी, 40% रख रहे हो तो भी जाओगी। इससे पहले जैसे कि नोटिस था दोस्तों 30% 40% वालों को ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, बेस ऑन मेरिट ऊपर से ले लिया जाएगा, जितना उनको कैंडिडेट चाहिए उतना कैंडिडेट ले लिया जाएगा। एंड पोस्ट प्रिफरेंस, दोस्तों पोस्ट प्रिफरेंस वाइज भी शॉर्टलिस्टेड होगा। सपोज आपकी पोस्ट है 100 पोस्ट है तो उनको 1 लाख कैंडिडेट लेना है तो उसी हिसाब में वो लोग लेंगे। पोस्ट प्रिफरेंस कौन कौन सा ट्रेड में दिया है तो पोस्ट प्रिफरेंस वाइज भी शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 नवंबर से पहले आपकी एग्जाम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा जो सिलेक्शन होने वाला है 30% 40% में क्या हो जाएगा, नहीं है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन यही है कि 30% 40% रख रहे हो तो नहीं होगा, बेस ऑन मेरिट मतलब स्पेशली ऑफिशियली लिखा गया है दोस्तों बेस ऑन मेरिट में जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपकी जोन वाइज सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट। और दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं कि बच्चे लोग कि हमारा सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो दोस्तों सिलेबस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट में दोस्तों देख सकते हो, क्लिक हियर फॉर एग्जाम ट्रेड सिलेबस फॉर सेकेंड स्टेज, इसको क्लिक कर रहे हो तो नया एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें सारी ट्रेड दिया गया है, पर यहाँ पे पीसीएम वालों के लिए दिया नहीं गया है। पीसीएम वालों के लिए दोस्तों देख सकते हो मैथ एंड फिजिक्स सिलाबस ये सारे डाउनलोड कर सकते हो, और सारे ट्रेड में यहाँ पे दिया गया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नहीं तो आप आरआरबी का कोई भी वेबसाइट में आइए। यहाँ पे दोस्तों दो सर्कुलर दिया गया है, एक सर्कुलर नोटिस के लिए जो CBT 2 के लिए, और एक सर्कुलर यहाँ पे दोस्तों आप लोग सिलाबस के लिए, ये आप डाउनलोड करके देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो बहुत कैंडिडेट का यहाँ पे इश्यू था कि मतलब ये था कि मेरिट बेस आपकी जो सिलेक्शन होगा किस बेस में होगा, फाइनली मेरिट बेस में होने वाला है, और दोस्तों टॉप कंपटीशन होने वाला है, थोड़े दिन रुक जाते हैं, 5 नवंबर की बात है थोड़ा,
दो चार दिन बचा है दोस्तों, यहाँ पे आपकी फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तब तक मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो आप लोगों के पास पहले पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।